नमस्कार दोस्तों, चीन का औकात दिखाने के लिए, चीन को अलग थलग करने के लिए, चीन को पूरे दुनिया में विलन बनाने के लिए भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। न तो अमेरिका को उम्मीद था, न ही यूरोपियन यूनियन को उम्मीद था। पूरे दुनिया चौंक गया, आखिरकार ये हो कैसे सकता है। आप जानते हैं, हाल ही में चीन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बोल रहा था कि रूस मेरा मित्र है, मेरा भाई है, हम जो बोलेंगे वही करेगा, रूस तो हमारे लिए भारत से लड़ जाएगा, अमेरिका तो कुछ नहीं है, भारत से भी पंगा ले लेगा। ये बात चीन के ग्लोबल टाइम्स बोल रहा था। अब दोस्तों, उसी रूस भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका सपना में भी चीन को उम्मीद नहीं था। शी जिनपिंग को लग रहा था कि आखिरकार ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वही काम दोस्तों हो गया है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग को अब चैन नींद सब खोने वाला है। दरअसल भारत, जापान, रसिया एक ऐसा फैसला लिया है ना, आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में भारत, जापान, रसिया का राज होने वाला है। दोस्तों ऑलरेडी चाइना क्वाड से परेशान था, लेकिन भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है, रसिया को खासतौर पे इंडो पैसिफिक में ला दिया है। और बड़ी बात तो यह है, रसिया का दुश्मन नंबर वन दोस्तों आप जानते हैं वह जापान। आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, रसिया और जापान में दुश्मनी है? जी हाँ दोस्तों, कई मुद्दे पे दुश्मनी है, आज से नहीं वर्ल्ड वार वन के पहले से दुश्मनी है, वर्ल्ड वार वन से पहले से दुश्मनी है। यहाँ तक कि रसिया और जापान में युद्ध भी हो चुका है दोस्तों 1904 और 5 के दौरान। 1904 और 5 के दौरान रसिया और जापान में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रसिया बुरी तरह से हार गया था, एक छोटा सा जापान ने रूस को हराया था। युद्ध हुआ था दोस्तों, कारण था कोरिया, कोरिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध हुआ था। रूस चाहता था कि कोरिया मेरे अंदर रहे और जापान चाहता था कोरिया मेरे अंदर रहे, लेकिन दोस्तों जापान जीता था और रसिया हार गया था। तभी से रूस और जापान का एक तरह से कह सकते हैं कि संबंध हमेशा से खराब रहा है। इतना ही नहीं, आज भी कुछ द्वीप को लेकर, कुछ आइलैंड को लेकर रसिया और जापान के बीच में मतभेद है और कह सकते हैं दोनों में झगड़ा है। रूस बोलता है मेरा है, जापान बोलता है मेरा है, लेकिन दोस्तों भारत ने दोनों को समझा बुझा के इंडो पैसिफिक में ला दिया है और चीन के खिलाफ बहुत बड़ा रणनीति बनाया है। इतना ही नहीं, जो बाइडेन को यहाँ से ओपनली धमकी तक दे दिया है। जो बाइडेन दोस्तों अभी से बोल रहा है कि चीन से मित्रता कर लेंगे, हम ईरान से मित्रता कर लेंगे, हम सबसे मित्रता करेंगे, हमको इंडो पैसिफिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों भारत ने जो बाइडेन की आंखों में धूल झोंका है, बोला है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। भारत अकेला ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र का राजा था और रहेगा, और यहाँ पे तुम जाओगे तो कोई और आएगा, और वो मेरा सबसे अच्छा मित्र रसिया है। दोस्तों आखिरकार क्या क्या हुआ है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार जापान भी क्यों रूस के साथ आया है और रसिया भी क्यों चीन को छोड़ के जापान से हाथ मिलाया है, क्या कारण है, आखिरकार हुआ क्या है, एक एक पॉइंट जानिए। देखिए आप जानते हैं, जब से रसिया ने बयान दिया है भारत पश्चिमी देशों का गुलाम है, पश्चिमी देशों का मोहरा है और भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं, पश्चिमी देशों के सर पे नाचता है, दोस्तों तभी से रूस के लिए कह सकते हैं कि अपने आप पर में कुल्हाड़ी मारना हुआ। कह सकते हैं कि रूस बहुत ही पछता रहा है, उसे उम्मीद नहीं था कैसा हो सकता है। दोस्तों तब से आप जानते हैं ना, भारत के जो तमाम लोगों के मन में रूस के प्रति प्यार था, आम लोग दोस्तों रूस से नफरत करना शुरू कर दिया और यहाँ पे चाइना उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। चाइना ने ओपनली दोस्तों आग लगाया, चाइना का जो ग्लोबल टर्म्स है वो ओपनली थोड़ा मोरा बात को बढ़ा चढ़ा के बोला और बोलना शुरू कर दिया कि देखो रसिया ने भारत को धमकी दिया, देखो रसिया ने भारत को क्या कहा। और दोस्तों ये बातें रूस को भी बुरा लग रहा था कि चाइना आखिरकार छोटा मोटा बात को इतना बढ़ा के बोल रहा है और भारत और रूस के बीच में झगड़ा लगा रहा है। दोस्तों ये बात आप जानते हैं और उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुआ था। दूसरी ओर रूस मजबूर था, उसको लगा था कि हम कहाँ जाए, एक तरफ भारत मेरा मित्र था वो अमेरिका का हाथ थाम लिया, दूसरी ओर यूरोप हमसे नफरत करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगाया है, हमारे पास एक ही ऑप्शन चाइना है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, मजबूरी में चाइना का हाथ थामेंगे। दोस्तों रसिया यहाँ पे मजबूर था, वो क्या करता, कहाँ जाता, भारत तो ऑलरेडी अमेरिका से हाथ मिला लिया था, इसीलिए रसिया चुपचाप तमाशा देख के गुस्सा हो रहा था और भारत पे कई बार बयान दे रहा था। भारत को यहाँ तक बोला था कि पाकिस्तान को हम हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान के साथ बड़ा डील करेंगे, दोस्तों भारत को धमकीबाजी कर रहा था। रूस को लग रहा था कि अगर धमकीबाजी नहीं करेंगे तो भारत मेरा पूरा हाथ थाम देगा और हम पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे, हम कहीं कहीं रहेंगे, लेकिन भारत ने रूस को हाथ पकड़ के दोस्तों बाहर लाया, कह सकते हैं कि गड्ढे से बाहर लाया है। भारत समझता है कि रूस आज मजबूर है, चीन का आज एक तरह से मजबूरी में हामे हाँ मिला रहा है और आने वाले समय में चाइना रूस को यूज कर सकता है, चाइना रूस को कुछ भी बुलवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए दोस्तों भारत ने एक ऐसा प्लान चला, उसने कहा कि अब हम रूस और जापान को मित्रता करवाएंगे। दोस्तों भारत का एक ही बात कहना था कि जब
अमेरिका इतना बड़ा दुश्मन था जापान का, जब अमेरिका और जापान मित्र हो सकता है, वर्ल्ड वार टू में अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया, तो आखिरकार रूस और जापान में क्यों हो सकता है? दोस्तों भारत ने एक ही पॉइंट बताया कि जिस प्रकार से आज अमेरिका जापान का मित्रता पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में रशिया और जापान का मित्रता भी फेमस हो जाएगा, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में जापान और भारत मिलकर रूस में कई सारा इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों भारत ने रूस को यहाँ तक समझाया कि जिस प्रकार चाइना में और आप में युद्ध हुआ था, यानी कि रूस चीन में युद्ध हुआ था, फिर भी आप दोनों एक हो सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, तो जापान से क्या समस्या है, जापान से मित्र बनिए। दोस्तों भारत ने साफ बताया कि अगर चीन से मित्रता कीजिएगा तो आपको धोखा मिलेगा, हम भी धोखा खाए हैं, दुनिया के बहुत सारे देश धोखा खाया है और आपको धोखा मिलेगा, जिस प्रकार से उस समय भी आपको धोखा मिला था और आपसे युद्ध करने के लिए आ गया था, बाद में भी मिलेगा। और दोस्तों जापान को ये बात समझ में आ गया और उसको समझ में आ गया और इसीलिए दोनों ने हाँ में हाँ कर दिया। और आप देखेंगे जिस प्रकार वर्तमान में क्वाड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत दोस्तों हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में खासतौर पे अपना नेवी एक्सरसाइज करता है, दोस्तों कह सकते हैं कि ड्रिल करता है, जिस प्रकार से वहाँ पे दोस्तों हरकम मचाता है साउथ चाइना सी में, चीन को का दिखाता है, आने वाले समय में देखेंगे भारत, जापान और रशिया भी अपना नौसेना भेज के चीन का नींद उड़ाएगा और पूरे दुनिया में तहलका मचाएगा। अब आप पूछेंगे रशिया आखिरकार मान कैसे गया और क्या कारण जो इंडो पैसिफिक में आने का बड़ा ऑफर एक्सेप्ट किया। देखिए रूस को पता है कि अभी जो हमारा इमेज बना है ना, वो चीन का गुलाम वाला इमेज बन गया है। हमारा कहाँ शान सकत था, सोवियत संगठन में हम अमेरिका से पंगा लेते थे, हमारा शान था, लेकिन दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश आज हमें चीन का गुलाम कह रहा है। दोस्तों पुतिन समझता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही खराब होने वाला है और उसका इमेज पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए वो जानता है कि हमें भी हिंद महासागर में आना जरूरी है। और कैसे आए, वो जानता है कि अमेरिका के साथ वो आ नहीं सकता है क्योंकि दोनों धुर विरोधी है, वो खासतौर पे यूरोपियन के साथ आ नहीं सकता है, दोनों विरोधी है, और इसीलिए भारत को बार बार धमकी दे रहा था, खासतौर पे यही बोलना चाह रहा था कि आप हमें ऑफर दीजिए, आप हमें ऑफर दीजिए, एक ऐसा समूह बनाइए जिसमें हम भी रहेंगे। दोस्तों इसीलिए रशिया लगातार कई बार से बयान दे रहा था भारत को, खासतौर पे उजल फुजल बोल रहा था कि यूरोपियन उनका गुनाह है। दोस्तों इसीलिए बोला था, उनका कहना था कि भारत केवल अमेरिका का बात सुनता है, अमेरिका को ऑफर देता है, केवल यूरोप वालों को ऑफर देता है, हमें कहाँ ऑफर दे रहा है। दोस्तों इस तरह की बात रूस कर रहा था और भारत समझ गया और इसीलिए रूस को ऑफर दिया और उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि रूस जो चाहता था भारत वही ऑफर दिया और रूस भी अब चाहता है कि आने वाले समय में हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में अपना नेवल प्रेजेंट बढ़ाए ताकि पूरी दुनिया बोले कि रूस का भी यहाँ पे एक ग्रुप चलता है जिसमें भारत और जापान रूस है, यानी कि त्रिपक्षीय समूह है। दोस्तों रूस बहुत ही खुश है। दूसरी बात तो यह है कि रूस को आर्थिक मदद मिलेगा। आप पूछेंगे आर्थिक मदद कैसे मिलेगा, देखिए आप जानते हैं रूस का जो फार रीजन है, दोस्तों फार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है, वहाँ पे तेल है, कोयले है, सोने चांदी है, बहुत ही कीमती खनिज पदार्थ है जिसे निकालने के लिए रूस को मदद चाहिए। ऑलरेडी चीन वहाँ पे कई सालों से निवेश कर रहा है और चीन से परेशान होकर रूस ने भारत को कई बार वहाँ पे ऑफर दे दिया है और दोस्तों पिछले साल भारत वहाँ पे गया भी था, वहाँ पे $1 बिलियन निवेश भी किया था। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रशिया का उम्मीद बनेगा भारत और जापान, भारत और जापान दोस्तों यहाँ पे निवेश करेगा और बड़ी बात रूस से मित्रता और निभाएगा, बढ़ाएगा और चीन को वहाँ से आउट करेगा। कह सकते हैं कि चीन के लिए यह एक बहुत बड़ा सेटबैक है और दोस्तों रशिया के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद का किरण है। रूस का भी अब इमेज पूरी दुनिया में जाएगा कि रूस भी दुनिया में खासतौर पर हिंद महासागर में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है